नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के मोहराबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम के बीच भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय समारोह में उन्होंने परेड का भी निरीक्षण किया। झंडोत्तोलन के बाद मुख्यमंत्री राज्य की जनता को संबोधित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धो कान्हू को याद करते हुए झारखंड के लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा, लाखों देशभक्तों की शहादत की बदौलत हमें आज़ादी मिली है। अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि राज्य सरकार कैसे सरकारी नौकरी और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए नए अवसर ला रही है। शासन और प्रशासन सच्ची निष्ठा के साथ जनता की सेवा में लगा है। लाखों जरूरतमंदों के द्वार तक सरकार पहुंची है। जनता से किए गए वादे को संजीदगी से निभाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी आयोग को भेज दी गई है। शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति होगी। नियुक्तियों में झारखंड के लोगों का उनका उचित हक मिले, इसे सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि झारखंड वासियों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस अवसर पर अबुआ आवास योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत आगामी 2 वर्षों में 15,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। सभी को 3 कमरे का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड में मेहमान के रूप में यूपी पुलिस भी शामिल हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से अवर निरीक्षक महेंद्र सिंह यादव ने नेतृत्व कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के 44 पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को राष्ट्रपति के हाथों दिए गए पदक को प्रदान किया। ये सभी पदक पूर्व में राष्ट्रपति के हाथों गणतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर प्रदान किया गया था। भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर सिद्धू कान्हू जैसे अनेक महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा शहादत के बदौलत नाम जारी हुए हैं। यह बदलते झारखंड और बढ़ते झारखंड की तस्वीर है। हमने राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों से रोजगार प्रोत्साहन भत्ता एवं कौशल प्रशिक्षण का वादा किया था। आज इस मंच से मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की निमित्त मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 80 प्रखंड मुख्यालय पर बिरसा केंद्र शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत झारखंड के युवाओं लाखों युवाओं को बिरसा केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ रोजगार प्रोत्साहन भत्ता एवं परिवहन भत्ता भी दिया जा रहा है। राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को रोजगार, स्वयं की व्यवसाय शुरू करने हेतु सस्ते एवं अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन संचालित है। इस वर्ष 2022 में लाभुकों के हितों के लिए इस योजना के प्रावधानों को सरल एवं उदार बनाते हुए आवेदकों की अधिकतम उम्र 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।